नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैगी ओमलेट। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम मैगी ओमलेट बनाना। मैगी ओमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अंडे, चॉप अदरक, चॉप प्याज, चॉप धनिया, चॉप टमाटर, थोड़ी सी मटर, हरी मिर्च और मैगी का 1 पैकेट। तो हमने मैगी को बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा दिया है, इसे गर्म होने का, और जो मैगी हमारी उसे हम क्रैश कर देंगे, तोड़ देंगे मैगी का जो जो भी इसके अंदर है। मैगी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है। पानी हमारा बॉयल हो गया है, इसमें मैगी डाल देंगे, हिला दे, पानी भी बॉयल आ गया है। इसे बॉयल करेंगे हम अच्छे से, जिसपे इस पर कच्चापन न रहे। मैगी हमारी बॉयल हो गई है, इसे छान देंगे हम। अब हम अंडे को फोड़ेंगे। अंडे को हमने फोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला, चॉप प्याज और हरी मिर्च जो हमने कर रखा था पहले से, टमाटर, अदरक, धनिया और थोड़ी सी हरी मटर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद इसे अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से फेटेंगे इसे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे मैगी जो हमने बॉयल करके पहले से रखी थी, ये मैगी डाल दी हमने इसमें, इसे भी अच्छे से मिला देंगे। मैगी को हमने मिला दिया है। अब जो हमारा पैन है उस पर हम बटर डालेंगे। बटर से देख ले किस हिसाब से डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप वो लेते हैं। बटर हमारा गर्म हो गया तो इसे हम मैगी डाल देंगे जो हमने मिला के रखा था मसाले को, मैगी और अंडे को और जो भी सारे मसाले थे हमारे। इसे अच्छे से सारे पैन पे फैला देंगे हम, और जो गैस की आँच है उसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाए, इसे ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे ना पकाए। अगर ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे इसे तो ये नीचे से जल जाएगा एक साइड से, और ऊपर तक अच्छे से नहीं पकेगा। देख सकते हैं हम किस तरह से पका रहे हैं पैन को चारों तरफ से, देख सकते हैं आप। अच्छे से पकाए इसे, ये हमारा पक गया। अब हम इसे दूसरी साइड भी इसका पलटी मार दिए। अब दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसे, और साइड से इसका थोड़ा और बटर लगा देंगे। आप बटर की जगह देसी घी भी यूज कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से पके नीचे से भी, जो दूसरी साइड से हमने पलटी मारी थी उस साइड से भी अच्छे से पके, इसलिए हम इस साइड से थोड़ा सा बटर लगाएंगे। इसकी जगह आप सरसों का तेल या देसी घी भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इतने अच्छे से पक रहा है। इसे इसकी भी हमने पलटी मार दी, दूसरी साइड भी पलटा दिया इसे। देख सकते हैं आप दूसरी साइड कितने अच्छे से पक गया, कितना अच्छा कलर आ गया इसका पकने के बाद। अभी ये लगभग हमारा पक के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। दूसरी साइड से भी थोड़ा सा और पकाएंगे हम इसे। देख सकते हैं आप दूसरी साइड से कितना अच्छा कलर आ गया इसे पूरा पकने के बाद। अभी हमारा पक के तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी अमूल चीज ग्रेट करेंगे, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है, इसका जो टेस्ट होगा वो और यूनिक हो जाएगा और अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी मसूर डालने से, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे इसे। इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या इसके छोटे छोटे पीस करके भी आप सर्व कर सकते हैं, जैसे हम पिज्जा के छोटे पीस करते हैं
इसे आप टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चाय के साथ ले सकते हैं आराम से ब्रेकफास्ट में, ये शाम के टाइम भी ले सकते हैं आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।